नहीं कमा के दोगे तो आधे से ज्यादा व्यापारी तो जेब काटने, चोरी करने, चक्कू मारने इसी में रह जाएगी बेरोजगार। 20,000 बिना हर महीने एक दुकानदार को देने शुरू कर दीजिए ताकि उसके बच्चे की रोटी पालन पाषण वो कर सके, फिर जो आपकी शर्तें हम सारी मान लेंगे। क्या अतिक्रमण सिर्फ राजगुरु मार्केट में, पूरे शहर के अंदर है? जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। आज हम हिसार की राजगुरु मार्केट में मौजूद है, जहां पर बड़े सालों से जो मामला सामने निकल कर आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। फिलहाल देख सकते हैं नगर निगम प्रशासन की टीम बरामदे खाली करवाने के लिए यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है, और साथ ही साथ व्यापारी संगठन है, प्रधान है मार्केट के, वो भी यहां पर मौजूद है। इनसे ही जानते पूरा मामला क्या है और किस प्रकार ये इस मामले को हैंडल करेंगे। हाँ जी नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। सर, आज भी नगर निगम की टीम फिर दौरा करने आई है और जितने भी बरामदे खाली करवाने के लिए, तो मार्केट कमेटी का प्रधान है, आपकी तरफ से क्या सहयोग मिलेगा और आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि सरकार को बदनाम ना करें। अफसर जो निगम के अफसर हैं वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अब इस टाइम त्यौहार के टाइम है, रोजी रोटी कमाने का टाइम है, और दुकानदार को अपनी दुकानों में काम करने दी जाए, सड़क से कोई अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाए, हम तैयार हैं उसके लिए, कॉपरेट के लिए। लेकिन दुकानदार अगला कोई मान लो एक साल के अंदर, दो साल के अंदर बेचारे मरा पड़ा था 2 सालों से कोरोना में, और अब आके काम करने लगे है, तो उसको आप जो आके उसको तंग कर रहे हो, तो रोजी रोटी कैसे कमा के खाएगा? आप उसको रोजी रोटी के लिए तो करने नहीं देते। आप ये देखें क्या अतिक्रमण सिर्फ राजगुरु मार्केट में, पूरे शहर के अंदर है, पूरे शहर में क्यों नहीं आप उसका वो करते? आप एक पक्षपात क्यों करते हो? एक बात हो रहा है कि सबसे बड़ी सीजन के टाइम, और मैं बात करूँ त्यौहार होता है उसी टाइम इन नगर निगम के दौरे लगते हैं, उससे पहले तो ना ही कोई नगर निगम का प्रशासन की तरफ कोई एक बंदा, एक अधिकारी भी नहीं आता मार्केट में। देखिए जब भी त्यौहार आते हैं, जब ही आते ही सबसे पहले सड़क से तो कोई सामान उठाते नहीं, बरामदे के अंदर से, दुकानों के अंदर से सामान उठाने ही करते हैं, और ऐसे माहौल बना देते हैं, कोई कस्टमर आने वाला हो तो सब कस्टमर भाग जाता है, डर का माहौल पैदा हो जाता है। राजगुरु मार्केट के अंदर इतनी अच्छी मार्केट है, इसको रोजी रोटी के लिए सबसे वो बेचारे दो दो साल से व्यापारी बाढ़ देखता है, एक त्यौहार आए और त्यौहार आते ही इनको पर ये लग जाती है भाई इसके सामान उठाया जाए। तो हम सरकार से बार बार ये विनती करते हैं, सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हैं? रोजी रोटी कमा के खाने दे जाए, अगर आप उसको रोजी रोटी नहीं कमा के दोगे तो आधे से ज़्यादा व्यापारी तो जेब काटने, चोरी करने, चक्कू मारने इसी में रह जाएगी बेरोजगारी। आप बेरोजगारी फैलाते हो या आप इसको रोजगार देना चाहते हो? सरकार तो ऊपर से ये होती है भी रोजगार दिया जाए, आप उसको दुकानदारों को कहते हैं बेरोजगार हो जाओ, तो आप कमा के कहाँ खाएगा? आप ये देखिए पीएलए में कितनी भीड़ है, और सारे शहर में है, नाज मंडी में, काट मंडी में, पूरे शहर के अंदर है। एक हमारी राजगुरु मार्केट के पीछे आप जब भी आते हो फोकस करते हो, ये सरासर गलत है, हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। हम इसको जो है ना बिल्कुल ही, जितने व्यापारी हैं सब, हमारी एसोसिएशन सब इकट्ठी है, हमारे को बरामदे की जगह दी जाए, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। बड़े शोरूम वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो छोटे दुकानदार हैं उनको बेचारों को रोजी रोटी का मसला है, पेट का सवाल है, इसी से अपना पालन पोषण करता है परिवार का। मैं सभी व्यापारियों का भी आपके माध्यम से सबको ये एक ही बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो है ना राजगुरु मार्केट के अंदर कोई भी दुकानदार सड़क पे ना लगाए, कोई अपना सामान डस्टबिन में या कोई खा के बाहर फेंकता ना फेंके, डस्टबिन में फेंके, और अपना सामान अपने दुकान के अंदर ही रखें, बरामदे में बाहर ना रखें बिल्कुल भी। मतलब आप कुल मिलाकर प्रशासन के साथ भी, और जो प्रशासन बदसलूकी करता है उसके खिलाफ भी, उसके खिलाफ भी हैं। हम तो निगम के साथ हैं, अगर वो सही करेगी तो, लेकिन दुकानदार वो तंग करेंगे तो हम उसका विरोध भी करेंगे। ठीक है, अक्षय मलिक जी मौजूद हैं, इनसे भी जान थोड़े वार्तालाप करते हैं, पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार प्रधान। नमस्कार जी। नमस्कार सर। एक बात, नगर निगम प्रशासन का एक दौरा देखा गया कि सिर्फ जहाँ, जब मान लो मार्केट में कोई त्यौहार का टाइम होता है सीजन का, उसी टाइम इनके चक्कर पे चक्कर लगते हैं, बरामदे खाली करें, उससे पहले ना तो कोई पूछने आता है ना ही कोई देखने। ऐसा है जी, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे इनसे, ये भी अपना काम करें, हम लोग अपना काम करें, ये अपना काम करें, इनकी ड्यूटी है, ये अपनी ड्यूटी पूरी करने आते हैं। और इनसे मेरा एक ही निवेदन है सबसे, और कमिश्नर साहब से भी, जैसे आपने जनता मार्केट में करके सुधार किया है, उन गरीब आदमियों का भला किया है, वैसे ही हमारे बाजार की तरफ भी ठंडी निगाह रखें, और बाजार में भी वो काम करें कि किस कहीं अतिक्रमण होता है आप वो उठाइए, हमारे दुकानों से सामान मत उठाइए। पहले ही कोरोना ने इतना मार रखा है, और मंदी की मार हम नहीं जा सकते। या तो फिर आप एक काम करिए, 20,000 बिना हर महीने एक दुकानदार को देने शुरू कर दीजिए ताकि उसके बच्चे की रोटी पालन पाषण वो कर सके, फिर जो आपकी शर्तें हम सारी मान लेंगे। प्रधान जी की बात है, जो दुकानदार, कुछ ऐसे दुकानदार भी है जो आपकी बात से सहमत है, आपके जो रूल बनाए हुए हैं बरामदे के अंदर सामान रखे उनके अंदर सामान रखते हैं, पर कुछ ऐसे भी जो 10-12 फुट रोड के ऊपर ही ऐसे जी, उसी के लिए तो हम कह रहे हैं, उसी के लिए टीम आई हुई है, हम टीम का सहयोग करेंगे, रोड के ऊपर जिसका भी सामान है सारा उठाया जाए, क्यों नहीं उठाते, उठाएं रोड के ऊपर, देखो अब कहाँ सारा रोड खाली पड़ा है। तो शाम को थोड़े बहुत दुकानदार आते हैं बाहर, वो भी इक्का दुक्का 5-10 दुकानदार हैं वो बाहर आते हैं,
जिनकी दुकान ज़्यादा छोटी है, ग्राहक ज़्यादा होने की वजह से वो रोड पे कर लेते हैं, बस यही यही कारण होता है। लेकिन हम वो भी नहीं कहते, हम वो भी दुकानदार को यही कहेंगे कि वो भी अपने अंदर रहें, नहीं तो जो भी उसका जुर्माना चालान काटना चाहे निगम उसका काटे, हम उसके लिए कोई मना नहीं करेंगे। अगर हमारी दुकानों से सामान उठाया गया हमें, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें उसके लिए धरने लगाना पड़े, धरियाँ हमारी तैयार पड़ी हैं, चाहे हमें काले झंडे लगाने पड़े बाजार के अंदर, हम सब पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने व्यापारी को दुखी होता नहीं देख सकते। कुल मिला के एक बात और है, अच्छे दिन आ चुके हैं। अच्छे दिन तो जा चुके हैं, अच्छे दिन तो मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आ गए हैं, वो अच्छे दिन तो जा चुके हैं। दर्द समझना चाहिए हमारा, सबको समझना चाहिए व्यापारियों का दर्द, अब तक जो नहीं समझ रहे उसका क्या हल करें। हम तो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं अगर हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें कुछ मर्जी दंड भेद करना पड़े, हम हमारे व्यापारियों को हम दुखी नहीं देख सकते। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हमारे साथ मार्केट के सेक्रेटरी भी थे, प्रधान भी थे, उनका यही कहना है कि मार्केट के जो अंदर देख सकते हैं नगर निगम प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद था, जो तंग किया जा रहा है बरामदे के अंदर सामान, सीजन के समय बरामदे के अंदर सामान लगाया जाता है। अगर मैं फिलहाल की बात करता हूँ तो मार्केट कमेटी के लोग हैं, प्रधान है, उनका भी यही कहना है कि बरामदे के बाद जितना भी सामान होगा आप उसका चालान काटें, उस सामान को उठा कर ले जाएं, उसके साथ हम आपके साथ सहमत हैं। पर अगर अंदर की बात करते हैं तो अंदर बरामदों को खाली नहीं किया जाएगा, क्योंकि सीजन का टाइम है, कोरोना महामारी के चलते पहले इतनी मार खा चुके हैं व्यापारी लोग, और अब ऐसी अगर मार पड़ती है दोबारा तो इसका विरोध किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभी हमारे साथ एक मेंबर और मौजूद है कमेटी के, इनसे भी हम जानते हैं पूरा मामला एक बार, और ये किस प्रकार इस समस्या को हल करेंगे नगर निगम प्रशासन के साथ में बैठकर, इनसे भी वार्तालाप करते हैं एक बार। ऐसे देखो जी, दुकानदार परेशान है, काम धंधा तो है नहीं बाजारों के अंदर, कोई अलग अलग जिनका किन मार्केट से लिंक ही नहीं है, यहाँ के नेता बनते हैं। हमारी ये समस्या है, जो दुकानदार छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको विराम दे दो, कोई इमरजेंसी है, बरसात आती है दुकानदार वैसे खाली कर देते हैं कस्टमर के लिए विराम दे, तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। आज त्यौहार के दिन शुरू हुए, कोई राखी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, गरीब आदमी ब्याज में पैसे ले गया, तो उसका काम धंधा चलना चाहिए के टाइम में। देखो जी, हम अच्छे और बुरे दिन की बात नहीं कर रहे, हम कोई राजनीति नहीं करते, हम तो एक दुकानदारों के हक में हैं भाई, दुकानदार की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। ये चीज़ प्रशासन को भी समझनी चाहिए, आम लोगों को भी समझनी चाहिए। अब दुकानदार हैं, बिरामदे हैं, अब बिरामदे चलने लायक ही नहीं है, अब ऊपर नीचे बिरामदे हैं, वहाँ कस्टमर कहाँ चलेगा। जो बिरामदे हैं वो इसीलिए बने हैं, चलो भाई कस्टमर आए जाए, बरसात होती है हम सामान हटा देते हैं, कस्टमर आता जाता है। अगर आप चाहे देखो चलने लायक है बिरामदे। प्रधान जी, कुछ ऐसे भी सामने निकल कर आए थे कि जो 10-12 फुट रोड के ऊपर भी अपना डिस्प्ले वगैरह सामान करते हैं, रोड के ऊपर जो सामान रखते हैं उनको उठा लो, जब्त कर लो, जुर्माना लगा लो, एसोसिएशन नहीं जाएगी, साथ जाएगी बस, बिल्कुल नहीं जाएगी उनकी हेल्प के लिए। अच्छा, जो सड़क पे सामान है ले जाओ, जब्त करो, जो गलत है इलीगल है उसे आप, सड़क के लिए तो हम भी खिलाफ है भाई, सड़क चलने के लिए बनाई है, चलने दो सड़क, अगर लोग सड़क पे ही कब्जा कर लेंगे उसके तो हम भी खिलाफ है। देख सकते हैं जैसा कि पूरी पूरी मार्केट कमेटी, नगर निगम प्रशासन, यहाँ पर काफी गहमा गहमी का माहौल है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मैं अगली खबर के साथ जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं चिराग शर्मा, आप बने रहे आरएसएन एक्सप्रेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।